हेलो टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स ऑफ टीचवेल। फ्रेंड्स, जैसा आप सब जानते हैं कि 26 सितंबर को आपका आईलेट का एग्ज़ाम है और अब इसके कैंसिल होने की उम्मीद भी नहीं है। अब आखिरी 10 दिनों में आप इसकी कैसे तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में आपको मैं कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि ये एग्ज़ाम 150 मार्क्स का है और आपके पास 90 मिनट्स हैं, तो इस एग्जाम के लिए आपका हार्ड वर्क मैटर नहीं करेगा, शायद आपका स्मार्ट वर्क मैटर करेगा। मैं आपसे अभी इस एग्जाम के लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर अभी आपके सामने डिस्कस करता हूं। आप सबके सामने स्क्रीन शेयर हो ही गई है, सो आप इसको देख रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर मैं आईलेट की बात करूं तो आईलेट कोई एक नॉर्मल पेपर नहीं है, एक बहुत ही डिफरेंट पेपर में आता है। एक सिंगल इंस्टीट्यूट का एक पेपर जहाँ पे आपके पास 150 क्वेश्चन हैं, 150 मार्क्स हैं, हर एक क्वेश्चन एक मार्क का है ऑब्वियसली, और आपको 90 मिनट्स में करना है, और क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो भी थोड़ा हाई होता है, मॉडरेट से हाई लेवल का होता है। इजी कभी नहीं आता, मॉडरेट से थोड़ा हाई आता, और वो ऑब्वियस है बिकॉज सीट्स कम हैं, उन्हें चूज करना है, बच्चों को बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, उनमें से चूज करना है, और एग्ज़ाम ऑब्वियसली एक ही होता है, प्रोसेस भी सिंगल है, तो इसलिए इसका लेवल थोड़ा हाई रखना पड़ता है। लेकिन इस अच्छे लेवल के एग्जाम को भी आप लोग बड़े इजीली क्रैक कर सकते हो। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि किसी भी एग्जाम के लिए आप अपना एक टाइम मैनेजमेंट एक आपको करना पड़ता है। आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो कंप्यूटर पे 1.5 घंटे तक एग्जाम को देखने की और पढ़ने की एक हैबिट आपको बनानी होगी। आपके एक हैबिट होनी चाहिए, खासतौर से मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिनको हैबिट नहीं है, उनकी हैबिट होनी चाहिए कि वो एग्जाम को देखें, कोई क्वेश्चन देखें, एक मिनट में उसको रीड कर पाएं अच्छे से। ओके फ्रेंड्स, ये ब्रेकअप है मार्क्स का जो कि हमेशा यही रहता है पिछले कई सालों से, खासतौर से पिछले 3 साल का मैं कह सकता हूँ, पिछले 3 साल से पैटर्न यही रहा है। 4 सेक्शंस में से 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और एक सिंगल सेक्शन मैथमेटिक्स का है जिसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और वो आप सब चाहोगे कि ये 10 ही आए या शायद इतने भी ना आए। खैर, तो आपको ये एक अपना माइंड मेकअप करना है, अगले 10-11 दिन जो आपके पास बचे हैं उस अपना माइंड मेकअप करिए कि कौन से सेक्शन में आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, उस सेक्शन में ज़्यादा टाइम डिवोट करना है। अगर आप मेरे से पूछो तो आप लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए 30 मिनट्स रख सकते हो एंड जीके के लिए 10 मिनट्स, यानी 40 मिनट्स में आपके 70 नंबर का पेपर, मैं ये नहीं कह रहा सारा होगा, ऑब्वियसली सारा नहीं होगा, लेकिन 40 मिनट्स में आपके 70 मार्क्स को पेपर डिसाइड हो जाना चाहिए कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाकी आपके 2 सेक्शंस और हैं, इंग्लिश एंड रीजनिंग। इंग्लिश 35 मार्क्स, रीजनिंग 35 मार्क्स एंड ऑब्वियसली एक और सेक्शन है मैथमेटिक्स 10 मार्क्स। इंग्लिश रीजनिंग आप अपने एंड से जो भी आपको अच्छा लगे, जिस जो भी सब्जेक्ट में आप ज्यादा अच्छे हों या जल्दी कर पाए उस हिसाब से आप देखें। आप इंग्लिश के लिए 20 मिनट्स, रीजनिंग के लिए 25 मिनट्स ऐसे रख सकते हो और मैथमेटिक्स के लिए 5 मिनट्स। अगर आपको मैथ्स का एक भी क्वेश्चन नहीं करना तो आप इंग्लिश और रीजनिंग दोनों के लिए बराबर 25 मिनट्स रख सकते हैं। टाइमिंग का बहुत ध्यान देना है, हमारे पास यहाँ टाइमिंग की ही कमी है। एक बात और आप ध्यान रख लीजिए, ये 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, 150 मार्क्स का पेपर है, तो आपको सारा नहीं करना है, आप कर ही नहीं सकते चाहे आप कितने बड़े एक्सपर्ट क्यों ना हो। मैं नहीं कर सकता, कोई और अच्छा अच्छा लॉयर और अच्छे टीचर नहीं कर पाएंगे। 15-20-25 क्वेश्चन हर पेपर में ऐसे दिए जाते हैं जो कोई बच्चा ना कर पाए, उन क्वेश्चंस को देख के आपको डीमोटिवेट नहीं होना, दिस इज वेरी कॉमन, हर एग्जाम में होता है। अभी DU के बच्चे एंट्रेंस देके आए हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, 10-15 क्वेश्चन डाले जाते हैं जान पूछ के, तो आईलेट में तो ज्यादा ही डाले जाते हैं। तो 150 क्वेश्चन है तो 125 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कर पाएंगे, बाकी 25 क्वेश्चन आपके करने के नहीं होंगे। तो आप ऑब्वियसली जब क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपने उसको देखा, आपको लगा मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ठीक है किया, नहीं कर पाएंगे लीव इट, टाइम वेस्ट मत करो। ये एग्जाम आपके हार्ड वर्क से ज्यादा आपकी स्मार्ट वर्क और आपकी अप्रोच के ऊपर है। इसमें नॉर्मल केस में जो हाईएस्ट मार्क्स होते हैं वो 80s के रेंज में जाते हैं, आप खुद ही इमेजिन करो 150 में से 80 वाला हाईएस्ट होता है, 80-83, कभी थोड़ा ऊपर अप डाउन होता रहता है, कई बार 90s में आ जाता है, बट नॉर्मल केस में 70 के ऊपर लाने वाले का एडमिशन हो जाता है। That means 150 में से आप 70 ला रहे हैं, आपका एडमिशन हो गया। अब 150 में से आप 90 क्वेश्चंस करके आ रहे हैं और उसमें से आपके 80 करेक्ट हो रहे हैं, 10 रॉन्ग हो रहे हैं, आपका एडमिशन हो गया बड़ा आराम से। आपकी एक्यूरेसी मैटर करेगी,
कितने क्वेश्चंस आप स्मार्टली कर पा रहे हैं वो मैटर करेगा। तो ये टाइमिंग वगैरह का मैंने आपको डिसाइड कर दिया आपके सामने, प्लस कौन सा सेक्शन पहले करना है कौन सा बाद में करना है ये भी आपके ऊपर है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ पूरी तरह से। आप जिसमें अच्छे हैं वो पहले करिए, वो आप अपने आप देखिएगा। फ्रेंड्स मैं सीधा यहाँ पे डिस्कस करता हूँ लीगल पॉइंट्स के ऊपर। फ्रेंड्स नॉर्मली जो लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन आता है उसमें प्रिंसिपल फैक्ट, एसर्शन रीजनिंग, लीगल करंट अफेयर्स, लीगल जीके या कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से क्वेश्चन होते हैं। नॉर्मल केस में 35 में से 10 से 12 13 क्वेश्चन आपके प्रिंसिपल फैक्ट के होंगे। प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चंस वो आते हैं जो कि आप लोगों के साथ हमने सबसे शुरू में किया था टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट आईपीसी, इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं प्रिंसिपल फैक्ट के। ओके आप यहाँ देख सकते हैं प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चन आपके सामने हैं, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट का दिया हुआ है, फैक्ट है एंड देन क्वेश्चन है। एक बात जो आईलेट के बारे में है कि आईलेट के क्वेश्चंस बहुत बड़े होते हैं, छोटे क्वेश्चन नहीं देता है कभी वो, तो आपको बहुत लंबा प्रिंसिपल यहाँ तो छोटा है लेकिन मैं अगर आगे कहीं दिखाऊं तो से ये आप देखिए ये प्रिंसिपल है इतना बड़ा, फिर ये फैक्ट है इतना बड़ा, फिर ये चार ऑप्शंस हैं। आपको इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा उसका प्रिंसिपल, इतना बड़ा फैक्ट और इतने चार बड़े बड़े ऑप्शंस आपको एक से डेढ़ मिनट में पढ़ने में, आपको थोड़ा मिनट इसमें एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके पास 30 मिनट जो मैंने आपको बताया आप लीगल में दे रहे हैं, तो 30 मिनट के अंदर आप 15 मिनट इन प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चंस पे लगा सकते हैं जो कि 10 से 12 आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। कभी 9 आते हैं, 2017 में 9 आए थे, 18 में शायद 11 आए थे, 19 में शायद 13 आए थे। तो ये अप डाउन चलता रहता है, कभी बढ़ भी रहे हैं उससे पहले कभी और ज्यादा आया करते थे, तो ये चलता है इसके अंदर बड़ा कॉमन है। ये लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर आपके एनएलयू दिल्ली की वेबसाइट पे पड़े हैं, प्लीज आप सब वहां से एक बार डाउनलोड कर लेना और एक बार इनको करने की कोशिश करना। खैर मैं ये बात कर रहा था कि आपके प्रिंसिपल पैट के क्वेश्चन प्रिंस बहुत बड़े बड़े आते हैं। तो पहला है कि आपकी रीडिंग हैबिट बड़ी अच्छी होनी चाहिए, आप फास्ट होनी चाहिए, आप समझ पाए देख के कि भाई क्या हो रहा है इसमें, और बहुत जल्दी एक मिनट के अंदर आप क्वेश्चन या डेढ़ मिनट के अंदर आप एक क्वेश्चन कर लें। 10 क्वेश्चन आ रहे हैं 15 मिनट में आपके हो गए, क्योंकि जो बाकी क्वेश्चन है उसको लीगल जीके लीगल करंट अफेयर्स के वो या तो आपको आते हैं या नहीं आते, अगेन वो जीके वाला इशू है उसके अंदर, वो क्वेश्चन आप जल्दी कर सकते हैं। तो अगर इन 10-12-13 क्वेश्चन में आप आराम से 15 मिनट, 16-17 मिनट भी लगाते हैं, 18 मिनट, 20 मिनट भी लगाते हैं तब भी कोई इशू नहीं है, बिकॉज ये कम से कम आपके परफेक्ट हो जाएंगे, आप इनको जल्दी कर लोगे। बाकी जो 20-25 क्वेश्चन हैं वो आप आराम से 10-15 मिनट में कर सकते हो, अभी मैं आपके सामने उनको देखूंगा। खैर आप ये देख रहे हैं, अगेन आप ये देखिए लीगल प्रिंसिपल अगेन 2 है, फिर फैक्ट इतना बड़ा फैक्ट है एंड देन डिसीजन ऑप्शंस आपके जो हैं। तो अगेन टाइम लगेगा इन क्वेश्चंस को करने में, लेकिन एक बात और बता दूं, ये जो क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं ना वो इजी होते हैं, एक बार आप दिमाग से उन क्वेश्चन को पढ़ लोगे बड़े आराम से कर लोगे। से फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ये देखता हूं, अब आपने देखिए प्रिंसिपल क्या है, बैटरी के ऊपर दिया हुआ है, हमने किया था आप लोगों को याद होगा बैटरी वगैरह की बात की थी, तो हमें पूरा इतना एक एक लाइन नहीं पढ़नी। अच्छा हमने देख लिया ओके बैटरी इंटेंशनल कॉजेशन ऑफ हार्मफुल एंड ऑल ओके डन व्हेन लॉफुली दिस 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 ओके ऑर्डिनरी सिटीजन, मैंने थोड़ा अपने दिमाग में बना लिया कि है क्या टॉपिक, मैं इसको पूरा ए टू जेड पढ़ता जाऊंगा तो हो गया काम, फिर तो मैं कोई पेपर नहीं कर पाऊंगा भले ही क्या इसका ये वाला और भी कोई जितने पेपर हैं कोई भी नहीं कर पाऊंगा। ओके सो अगेन आप देखिए प्रिंसिपल यहाँ पे है, यहाँ थोड़ा छोटा है, यहाँ इन्होंने थोड़ा हमारे लिए अच्छा किया। सो केयरलेस पर्सन के बारे में दिया हुआ, देन वॉलंटरी नॉनफिट इंजुरिया एस डिफेंस टू नेग्लिजेंस ये दिया हुआ है। ओके सो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे, अब आप इस पे देखिए लीगल प्रिंसिपल, फिर फैक्ट है, फिर डिसीजन है, अगेन ये, देन इस तरह के यहाँ पे, अब यहाँ ये देखिए ये कई बार हाईलाइट करता है, चार चार प्रिंसिपल्स हैं, चारों प्रिंसिपल पढ़ेंगे फिर फैक्ट पढ़ेंगे, तो अगेन मेरी वही बात है आपकी रीडिंग हैबिट, इंग्लिश रीडिंग हैबिट बहुत बढ़िया होनी चाहिए। You should be very much sure कि आप क्या पढ़ रहे हैं और कितनी जल्दी आप पढ़ रहे हैं, within a minute आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और उसको समझ पाए। तो इसके लिए मैं कहूंगा लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन पढ़े हुए हैं एनएलयू दिल्ली की वेबसाइट पे, उसे उठाइए और एक बार उसको करना शुरू करिए। ओके सो अगेन आप देख रहे हैं इसमें 9 क्वेश्चन इस तरह के। ओके अब दूसरा तरह है जो क्वेश्चन के टाइप है वो है assertion reasoning। Assertion reasoning के क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आप तभी आंसर कर पाएंगे जब आप जानते हैं कि क्या दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं।
अगर दोनों ट्रू हैं तब आपको एक बार समझ के करना पड़ेगा, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है फिर तो बड़ा इजी है। अगर आर फॉल्स है तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ए फॉल्स है तो आपका आंसर डी हो जाएगा। दोनों ट्रू हैं तब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आर जो है वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन क्वेश्चंस को जैसे मैंने आपको बताया आप तभी आंसर कर पाएंगे जब आप ये श्योर हैं कि दोनों का आंसर आपको मालूम है, या फिर कम से कम एक भी आप जानते हैं कि वो फॉल्स है। अगर एक के बारे में भी आप श्योर हैं कि वो फॉल्स है तब आप बड़ी इजीली आंसर कर सकते हैं। ओके सो ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, एसर्शन रीजन के क्वेश्चन इसमें काफी आते हैं। सो आप देख रहे हैं 80 से 86 इतने क्वेश्चन दिए हैं, 7 क्वेश्चन हैं यहाँ पे। ओके सो और ये देख रहे हैं ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये काफी आपको इजी पड़ेंगे करना और बड़े आराम से कर लेंगे। लेकिन वो ये कि अगर आपको आइडिया है कि एक फॉल्स से फिर तो बड़ा इजी है, अगर दोनों ट्रू हैं तो ए और बी में से थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा अच्छे से आंसर को। ओके फ्रेंड्स आगे जो इसमें क्वेश्चन आते हैं लीगल जीके एंड लीगल करंट अफेयर्स, आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को सबको लीगल करंट अफेयर्स के लिए पिछले 2 साल की जजमेंट्स और 2 साल के लॉस फॉरवर्ड किए थे और वो सबके पास हैं। उन्हीं लॉस को उन्हीं जजमेंट्स को एक बार ऑनलाइन जाके पढ़ें, अपने एंड से उनके बारे में पढ़ें। मैंने आपको दो दो तीन तीन लाइन का एक छोटा सा राइटअप दिया था, आप उसी जजमेंट को ऑनलाइन टाइप करिए और जरा ऑनलाइन जाके देखिए और क्या क्या हुआ था उसके अंदर। आईलेट के अंदर डिटेल में चले जाते हैं कई बार, तो ये एक इशू है आईलेट के अंदर जजमेंट्स के डिटेल में जाना। तो जो जो मैंने आपको जजमेंट्स दी हैं पिछले 2 साल की, जो जो नए लॉज दिए हैं पिछले 2 साल के, उस पे क्वेश्चन आएंगे। अब आप ये 17 का पेपर देख रहे हैं तो आप ये देखिए 16 में अमेंडमेंट हुआ उसके बारे में क्वेश्चन आ गया, 16 में हुआ 17 में क्वेश्चन आ गया। ओके अगेन मैं इसमें देखूँ यूथ बार एसोसिएशन, ऑब्वियसली ये उसी साल का अमेंडमेंट था ये, तो उसमें ये 17 के पेपर में आ गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो कि लीगल जीके लीगल करंट अफेयर्स में कौन से आएंगे, जहाँ पे आपके कोई जजमेंट कोई लॉ पिछले 1-2 साल में आई है उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो वो आप जाके जो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया था थोड़ा बहुत उसको उठाइए और उसके बारे में ऑनलाइन जाके पढ़िए। ओके और बड़े आराम से जजमेंट का आप टाइटल डालिए ऑनलाइन, बड़े आराम से मिल जाएगा, कोई भी 1-2 आर्टिकल मिलते हैं लीजिए और उसको पढ़ डालिए। ओके देन आप ये देख रहे हैं ये बड़ा एक तरह के और क्वेश्चन आते हैं, उसमें बात पूछते हैं अबाउट द इशू ऑफ द लीगल जीके। दुनिया भर में जजमेंट्स लॉज वगैरह के अलावा भी लीगल वर्ल्ड में बहुत कुछ होता रहता है, कभी कोई नई कोर्ट बना दी गई कहीं पे नई तरह की कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने पूछा है अबाउट द इशू ऑफ द चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट, दिल्ली एंड गोवा के बाद कहाँ बनी। ऐसे ही यहाँ पे बात हो सकती है सीबीसी का टर्म कितने साल का होगा, या फिर मीडिएशन सेंटर कहाँ बना है, कोर्ट एक्स मीडिएशन सेंटर इंडिया का पहला है ये। तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बड़े कॉमन आते हैं। ओके पहली कंट्री जिसने मोबाइल फोन्स के थ्रू वोटिंग अलाउ करी है। अब फ्रेंड्स ये जीके है, लीगल जीके है, ये लीगल जीके लीगल करंट अफेयर्स है, इसका आंसर आपको और कहीं ना मिलके सबसे अच्छा इसका आंसर मिलता है ऑनलाइन। तो थोड़ा बहुत लीगल वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है मैंने भी बहुत कुछ डिस्कस किया था, जजमेंट्स वगैरह हमने डिस्कस की थी, हमने लॉज वगैरह डिस्कस किए थे, थोड़ा बहुत ऑनलाइन लीगल वर्ल्ड के बारे में भी आप अपने एंड से भी नॉलेज लेते रहो, बहुत जरूरी है। बट अगर आप जजमेंट्स भी कर लो वो भी काफी है, वो भी बहुत है, आपके मैक्सिम्स वगैरह शायद इसमें आए शायद ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये सब चीजें आपके बहुत आती हैं। ओके लीगल जीके लीगल करंट अफेयर्स आपकी काफी आता है। ओके अब ये देखिए दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में पूछ लिया कि फेसबुक के चिल्ड्रन वगैरह, ये पहले भी हो चुका है 2017 का इशू था इसलिए 17 में आया। मेंटल हेल्थ केयर बिल 2016 का इशू था 16 में आ गया। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 35 क्वेश्चन से लीगल के तो आप अराउंड 20 से 25 के रेंज में तो कर पाए, एंड लेट मी टेल यू आप बहुत इजिली कर लेंगे, क्योंकि वो जो प्रिंसिपल फैक्ट एसर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जो कि करीब 10 के आसपास प्रिंसिपल फैक्ट और 4-5-6 के आसपास आपके एसर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर वो आप 20 मिनट में कर लेते हैं तो यानी 15 क्वेश्चन आपके वो हो गए। और इन क्वेश्चंस में क्योंकि ये क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है, हमने जजमेंट्स करी हमने लॉस करे हमने लीगल डिस्कशन बहुत किया कि हो क्या रहा है, बट अगेन की कोई लिमिट नहीं है, तो इन क्वेश्चंस में आप जितना हमने जजमेंट्स करी हैं जो जो हमने लॉस वगैरह किए हैं रिसेंट वाले आप उन्हीं को एक बार रिवाइज कर लीजिए। कम से कम आप इनमें से अगर ये 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनमें से आप 5-7 तो कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 17 में हम पढ़ रहे होते हैं तो ये मेंटल हेल्थ केयर बिल वाला क्वेश्चन आपने कर दिया होता,
बड़ी इजली कर दिया होता आपने, आपने मिनिमम वेज वाला क्वेश्चन कर दिया होता, मैटरनिटी बेनिफिट्स वाला आपने कर दिया होता। देन मैं थोड़ा इससे पीछे जाता हूँ, ये थर्ड जेंडर वाला सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, ये आपने कर दिया होता। ओके, देन यू कुड हैव इजीली डन दिस 91 यूथ बार रजिस्ट्रेशन, अगेन ये सेम ईयर का क्वेश्चन है। जीएसटी ये वाला क्वेश्चन भी आप इजीली कर लेते। तो अगर मैं इसमें कहूँ तो 8-9 क्वेश्चन, बड़े 7-8 क्वेश्चन बड़े आराम से आप कर लेते क्योंकि हमने उसमें डिस्कस किए होते। तो ये एक मिक्सचर आएगा, आईलेट एक तरह का मिक्सचर होगा, प्रिंसिपल फैक्ट भी है, एसर्शन रीजनिंग भी है। एसर्शन रीजनिंग में कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। एसर्शन रीजनिंग में आप ये देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है, और खासतौर से आपके फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी वगैरह, इनमें से एसर्शन रीजनिंग में काफी आते हैं। ओके, मैं 2018 के पेपर पे जाता हूँ अभी आपके सामने। ओके फ्रेंड्स, ये 2018 का पेपर है, तो अगेन आप देख पा रहे हैं कितने बड़े बड़े यहाँ पे फैक्ट हैं, और ये बड़ा कॉमन है। वही मैंने आपको कह दिया कि प्रिंसिपल फैक्ट असर्शन रीजनिंग के लिए मिला के अगर आप 20 मिनट रखें तो बड़ा इजीली हो जाएगा। 20 मिनट रखें, टाइम है आपके पास, आराम से करें, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन है जो कि शायद 10-15 हो, उसमें आपके लिए टाइम का इशू नहीं रहेगा, बिकॉज अगेन वो जीके लीगल करंट अफेयर्स टाइप के क्वेश्चन है। तो अगेन आप देखिए कितना ये बड़ा फैक्ट है, फिर ये ऑप्शंस भी बड़े बड़े हैं, ऑप्शंस भी छोटे नहीं है। तो अपनी ऑनलाइन रीडिंग हैबिट को थोड़ा बढ़ा लीजिए। ओके, देन फ्रेंड्स मैं इसमें और आगे बढ़ता हूँ, तो आप यहाँ देख रहे हैं कितने इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं लीगल प्रिंसिपल्स वगैरह के। ओके, मैं इस पे आ गया लीगल जीके लीगल करंट अफेयर्स पे। अब अगेन अगर हम ये 18 में पढ़ रहे होते तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कर देते हैं, क्योंकि 18 में मैं इसको डिस्कस जरूर करता ऑब्वियसली, क्योंकि ये इशू किस बात का है, ये इशू है कि उस साल एक पिटीशन डली थी 17 में डली थी और 18 में पेपर हुआ, तो ऑब्वियसली इसका डिस्कशन होता। देन ये फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी इलेक्टेड एज जज ऑफ ITLOS, वैसे इसका आंसर नीरू चड्ढा है, और इसका डिस्कशन भी अगर हम उस समय होते तो करते, बिकॉज ये भी करंट अफेयर्स ही है, लीगल करंट अफेयर्स है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, अगेन ये भी आपका लीगल करंट अफेयर्स आ गया। तो आप देख रहे होंगे एक्ट एंड जजमेंट्स के ऊपर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ड्रंकन ड्राइविंग कौन से लॉ में पनिशेबल है, ऑब्वियसली मोटर व्हीकल एक्ट में पनिशेबल है, बट ये चलो एक बार को मान लेता हूँ कि आपको नहीं आता होगा। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ गए, एक और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में एक और डिस्कशन आ गया यहाँ पे। देन और हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कोई है, यस एक और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ गई जो कि 2018 की ही थी, इस पेपर से 2 महीने पहले की जजमेंट है। ओके, देन लेट्स सी, एक और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ गई, ये देखिए 2017 की जजमेंट है, ये एक और जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। अरे सो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप बड़े आराम से कर लेते हैं। देन एक लॉ जो कि उस साल पास हुआ होगा या शायद बिल होगा, उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो हम ये देख पा रहे हैं कि अगर आप प्रिंसिपल फैक्ट एसर्शन रीजनिंग निकाल लेते हो तो ये जो लीगल करंट अफेयर्स लीगल जीके है, अगर आपने वो लॉज वो जजमेंट जो मैंने आपको दिए थे आपने ध्यान से करें, तो यू कैन इजीली डू अराउंड 7-10 क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन द लेवल। मैं उस पर छोड़ देता हूँ, मान लीजिए 15 क्वेश्चन आ रहे हैं लीगल जीके करंट अफेयर्स के और 10 क्वेश्चन रीसेंट जजमेंट रीसेंट लॉज में से हैं, यू कैन इजीली डू दैट। तो आपका वो कंपनसेट हो जाएगा, मान लीजिए कि आपके जीके में आप कम क्वेश्चन कर पाते हो तो यहाँ कंपनसेट हो जाएगा। टोटल 35 मार्क्स की लीगल में आप 25 तक के क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो, ये मेरा मानना है। आप भी देखेंगे धीरे धीरे, आप इसको नोटिस करिए, मार्च 2018 का सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर के बारे में पूछा है यहाँ पे। ओके, देखिए अब ये इस तरह के ये इश्यूज हैं यहाँ पे और ये काफी है, मतलब मैं कहूँगा ये बड़ा नॉर्मल है, इस तरह की बातें यहाँ पे बड़ा कॉमनली आती हैं। अगेन मैं 19 के पेपर पे आता हूँ आपके सामने, तो आप ये देख पा रहे हैं 19 में, अब ये अगेन प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चंस, 19 में 13 क्वेश्चन आए प्रिंसिपल फैक्ट के, ओके 13 क्वेश्चंस। ओके, अब आप देखिए बड़ा बड़ा प्रिंसिपल, बड़ा फैक्ट एंड ऑल, फिर उतने चार ऑप्शंस। अगेन तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके लिए टाइम ले लीजिए अच्छे से। फिर आ गए हम नीचे एसर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस, ये ज्यादा नहीं आए इस बार, बस 2 आए, लेकिन जो 2 आए उनके लिए भी जो हमारा मैटर था आप ये देख सकते हैं, ये तीनों मैटर दोनों क्वेश्चन जो है कॉन्स्टिट्यूशन से आए। तो assertion reasoning के question जो है normally constitution से आते हैं। अब आगे आप देखिए एक law के बारे में पूछ लिया, recent law, 18 का ही law है, 19 के paper में 18 के law के बारे में पूछ लिया, बड़ा common आता है। Again fugitive economic offenders act 2018 का है, तो उसके बारे में पूछ लिया, 19 के paper में 18 के बारे में पूछना, अगेन करंट अफेयर्स में आ गया ये। अगेन ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स का है,
2019 के अमेंडमेंट पूछा गया है। अगेन ये भी लीगल करंट अफेयर्स ही है, ये इशू भी लीगल करंट अफेयर्स है, बिकॉज बड़ा फेमस हुआ था कि कौन कौन मीडिएशन में शामिल हुए थे। ये जो राम जन्मभूमि मामले का मीडिएशन हुआ था, इसमें कौन कौन रहे थे, तो कलीफुल्ला जी एंड श्री श्री रविशंकर एंड श्री राम पंचु, ये तीन लोग इसमें रहे थे। तो बड़ा फेमस हुआ था, तो इसलिए बड़ा आया था मीडिया के अंदर, क्वेश्चन पूछना कोई गलत नहीं है ये। देन अगर मैं इसमें आगे देखूं, अगेन ये देखिए आप, बड़ा फेमस, और ये इस साल भी आ सकता है क्योंकि ये तो लॉ बन ही चुका है। देन अगेन दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स के लिए क्या कर दिया, उसके ऊपर एक आ रहा है। देन चेयरमैन ऑफ नालसा, एक तो ये नाल्स, मैं आपको कुछ बॉडीज का बता दूं, नालसा, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, एससी कमीशन, ओबीसी कमीशन, देन विमेन्स कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, ये 5-7-8 कमीशन प्लस एनएचआरसी एंड ऑल, और इनके हेड कौन है करंटली, और इनमें क्या कॉम्पोजिशन रहता है, कितने साल के लिए बनते हैं, सीवीसी, सीआईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कितने साल के लिए बनते हैं, ये एक बार आप चेक कर लेना। इस पे क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, ओके, कभी ना कभी एक कोई दे देते हैं, लाइक पहले वाले में दिया था अबाउट सीआईसी, सीआईसी का टेन्योर कितना है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। देन यहाँ पूछ लिया कि नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है। अब जो 19 में है वो 20 में नहीं होंगे ना, तो आपको इस साल का चेक करना होगा, मैं नहीं बता रहा, आप देखिए अपने आप, थोड़ा ये रिसर्च आपको करनी है। इस समय सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई कौन है, सबको पता है, सीजेआई कौन से नंबर के सीजेआई है ये किसी को नहीं पता होगा, ऐसे क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे, ओके। अगेन आप देखिए, तो हमने लॉ रिसेंट जजमेंट्स एंड ये बात जो मैंने आपको बताई, इस पर ध्यान देना। Then Trade Union Amendment Act 2019, again recent law, okay, then ये नहीं देखिए, हाँ 35A recent legal issue, ये last year काफी चला था, आपको पता ही होगा Article 370 35A कश्मीर को issue था ये, okay, then ये सब हुआ। Then February 2019 की PIL के बारे में, PUBG पे आई थी तो obviously media में थोड़ा आया था इसके ऊपर। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टसी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आ गया, लेकिन ये शायद मैंने आपको उसमें नहीं दिया था, इस साल भी अमेंडमेंट हुआ है इसके अंदर, तो थोड़ा बहुत इस साल के अमेंडमेंट के बारे में देख लेना। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टसी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस ही था इस बार का भी, 2020 इस साल का भी है, वो भी एक बार आप देख लेना। तो बेसिकली जो बाकी 15 से 17-18 क्वेश्चन है जो कि आपके लीगल जीके लीगल करंट अफेयर्स की है, इनमें से आप 8-9 क्वेश्चन कर पाओगे अगर वो जो मैंने आपको फॉरवर्ड किए थे रीसेंट जजमेंट रीसेंट लॉज वगैरह आपने उस पर ध्यान दिया है, तो आप बड़े आराम से कर पाओगे। सो जो मैंने आपको अपना टारगेट बताया इस एग्जाम के लिए कि अगर आप 20 मिनट भी लगाते हो प्रिंसिपल फैक्ट एसर्शन रीजनिंग मिला के करने में, तो आप बड़े आराम से कर लोगे, 20 मिनट के अंदर अंदर आप बड़े आराम से वो क्वेश्चन कर लोगे, और आपके पास टाइम भी बचेगा क्योंकि बाकी 10 मिनट जो लीगल में हैं वो बाकी बचे 15-16-18 लीगल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे आप लगा सकते हो। टारगेट रहना चाहिए कि 25 के ऊपर आपके लीगल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आराम से हो जाए, ओके। सो 25 हो गए, उससे ज्यादा हो गए और अच्छी बात है। टोटल क्वेश्चन आप करीब 100 के आसपास करके आइए, 90 करके आइए, कोशिश 100 की करिए, और आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप 90 करते हैं, 85 करते हैं, डजंट मैटर, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। इफ योर एक्यूरेसी इन द सेंस कि भाई आप क्वेश्चंस वो करें जो आप श्योर हैं, अच्छे से श्योर हैं उनके बारे में, तो अगर आप 90 क्वेश्चंस कर रहे हैं और आपकी एक्यूरेसी का लेवल से 80% या 90% है, यू कैन इजीली गेट थ्रू, ओके। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई विश यू अ वेरी गुड लक फॉर द एग्जाम। थोड़ा ये टिपिकल सा डिफरेंट सा एग्जाम होता है, लेवल थोड़ा इसका हाई होता है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो बड़ी इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, थोड़ी सी डिटरमिनेशन, थोड़ा सा हार्ड वर्क जो ऑलरेडी आप करते आ रहे हैं, एंड स्मार्ट वर्क। आप थोड़ा ये जो 90 क्वेश्चंस हैं इसको देखने में आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।